मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो बस हम सब रेडी हो रहे हैं, मैं जा रही हूँ कॉलेज। ओ मेरी आईडी कहाँ है? ऑफिस में। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बहुत सीरियस हूँ। मुझे क्या पता तुम्हारी आईडी? गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम हो चुका है। वेलकम। मैंने उस दिन आईडी पहनी थी ना, जब मैं तुम्हें गाड़ी में देखोगे प्लीज। यू डिड योर आईडी मम्मी व्हेन लास्ट टाइम यू वेंट टू सिनेमा। सिनेमा सिनेमा। Hopefully mommy did not lost it in the cinema. I am going to school now. Morning. And it's my harvest assembly. And daddy is dropping me. And he is going to watch my harvest assembly. So I don't know how will it go. Maybe daddy can film, maybe daddy cannot. But till then, bye. तो अभी सूरी चले गए हैं स्कूल। मैं कॉलेज आ चुकी हूँ, सौरभ ने मुझे ड्रॉप कर दिया था और अभी स्कूल चला गया है। मेरा कॉलेज ना बहुत प्यारी जगह पर है, मेरे पीछे इतना प्यारा चर्च है, इट्स अ क्रिस्टल कैथेड्रल। ये मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया था अपने ब्लॉग में। और यहाँ पर ना एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको आज ज़रूर दिखाऊँगी। सब लोगों ने राजा राम मोहन रॉय का नाम तो सुना ही होगा, उन्होंने सती प्रथा ख़त्म करी थी। तो उनका स्टैचू है ब्रिस्टल में, मुझे ज़्यादा हिस्ट्री तो नहीं पता है। तो गाइज ये है स्टैचू राजा राम मोहन रॉय का, जो कि मेरे कॉलेज के एकदम बाहर है एंड बहुत ही पॉपुलर जगह है ये ब्रिस्टल में। दिस प्लेस कॉल्ड कॉलेज ग्रीन। तो ये कॉलेज स्क्वायर है आपके सामने और यहीं पर इनका स्टैचू लगा रखा है इन्होंने, तो यू कैन रीड इट। यू नो बीइंग अ इंडियन, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय का स्टैचू है। वन ऑफ द यू नो, मैं एकदम रोड पे हूँ तो एक्चुअली ये राउंड अबाउट है, तो मैं थोड़ा दूर चली जाती हूँ। तो राजा राम मोहन रॉय ब्रिस्टल में आए थे, तो वो यहाँ पर पढ़ने भी आए थे और आई थिंक सो कि वो पढ़ाते भी थे यूनिवर्सिटी में। उनकी मेमोरी में ये स्टैचू यहाँ पर लगाया हुआ है। और यहाँ इट्स अ वंडरफुल थिंग टू नो कि राजा राम मोहन रॉय ने अपने जो लास्ट के डेज थे वो ब्रिस्टल में स्पेंड करे थे एंड ही वॉज अ बिग पार्ट ऑफ ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी, सो दैट्स वेरी नाइस। तो जब हम ब्रिस्टल आए थे ना, तो हमें किसी ने बात बताई थी, तो हम स्पेशली स्टैचू देखने आते थे क्योंकि हम इस जगह के बहुत पास रहते थे तब। तो मैंने जब से कॉलेज आना शुरू करा है, मैं रोज़ सोचती थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। बट आज आई हैव गॉट टाइम और आज तो मैंने सोचा चलो शेयर करते हैं आपके साथ। एनीवे कॉलेज की तरफ बढ़ रही हूँ, धड़कन तेज़ हो रही है क्योंकि काम एक पैसे का नहीं कर रखा है। टीचर से आज डांट खानी ही खानी है। डांट क्या मतलब कि वो कहेगी मत करो, यू नो तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो, जो कि मैंने करा है। बट इस हफ्ते बहन जी तोड़ मेहनत करेगी। सो वी हैड अ कंपटीशन टुडे इन द सैलून, सो विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ माय कोलीग वी क्रिएटेड दिस हेयर का हेयर स्टाइल। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। Here comes Preeti Suri from the college. आज हुडी घुमा के आए हैं ये अबीर की तरह। हुडी घुम गई मेरी। I really don't know. कैसा रहा दिन? कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा था। एक कंपटीशन था, एक लड़की है वो ब्लो एंड आउट सीजन करके एक प्रोग्राम आता है चैनल 4 पे, उसकी कंटेस्टेंट थी एंड शी केम टू शो अस एंड शी वर्कड इन वन ऑफ द सलोन एंड ब्रिस्टल ओनली। तो उन्होंने कंपटीशन कराया हेयर स्टाइलिंग का, तो मैंने एक लड़की के साथ करा और हम लोगों ने जीत लिया। गर्ल वॉज वेरी नाइस, द वन शी वॉज डूइंग विद मी, सो हमारा पेयर सबसे अच्छा था। तो गुड बिकॉज शी डिड मोस्ट ऑफ द जॉब टू बी ऑनेस्ट ऑन दैट हेयर स्टाइल, तो मैंने सारा गिफ्ट उसी को दे दिया। वो तो आपकी वो है ना, एक नहीं यार फेयर होना चाहिए ना। मैंने सिर्फ कर्ल्स करे थे उस वाले उसके, बाकी सब कुछ उसने करा था। सो आई सेड नो यू टेक इट, शी वाज नाइस गर्ल। एनीवेज चलो 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 चलो, वो करना है अभी तो लेना व्लॉग करना बेचारी कितना देखो इधर यार, अभी खत्म करके आई है फिर अब व्लॉग करना है। यू कैन ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग नेक्स्ट सुबह हो गई है, हम लोग बहुत थक गए थे कल तो कुछ शूट नहीं करा।
अब बस सुबह हुई है. I will put for kids. Saturday morning started with Abhi's homework. Oh my god. Types of metals. क्या है होमवर्क करा रहे हो उसको? वो खुद कर रहा है उसको कुछ चाहिए. Magnet का. Should I write types of metals which are magnetic? Yeah. And today evening we are going for fireworks also. We are always ready. Born ready. Born ready. छोटी छोटी के स्कूल जा रहे हैं आज शाम को हम फायरवर्क्स के लिए. गाइस हम लोग निकल चुके हैं अबीर के स्कूल के लिए. आज वहाँ पर फायरवर्क्स हैं और अबीर सूरी जी वेरी वेरी एक्साइटेड. हमारे सूरी साहब गाड़ी चलाते हुए एक तो ना सूरज हमारी आंखों में पड़ रहा है और हम दोनों ही अपना चश्मा नहीं लेकर आए हैं. भाई ने तो मांगा था आपके भाई ने लेकिन बहन ने आलस दिखाई. मैंने कहा मैं ऊपर नहीं जाऊँगी अब चश्मा लेने के लिए क्योंकि थोड़ी देर में सूर्य देवता चले जाएंगे. बट अब मुझे लग रहा है चश्मा लाना चाहिए था. चलो कोई बात नहीं चलते हैं आपको दिखाते हैं फायरवर्क्स. आई एम श्योर गाइस यू विल लव इट. तो और पता है स्कूल वाले इतने अच्छे हैं कि फायरवर्क्स किए जा रहे हैं हैलोवीन के लिए दिवाली के लिए. सो इट्स वेरी नाइस. तूने स्कूल लेटर पढ़ा था? इनकी हेडमास्टर जो इनकी वो हेडमास्टर है उसने लिखा था कि दिवाली इज कमिंग. एक और फेस्टिवल होता है या हेडमास्टर इज इंडियन या आई नो. देखा भारतीयों ने अपना डंका सब जगह बजा रखा है. यू नो इनके स्कूल का जो हेडमास्टर है वो इंडियन है. तो आई थिंक ही इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर है ना. वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ पर है लेकिन उनकी रूट्स मुझे लगता है इंडिया से हैं. न्यूज़ लेटर में भी लिखा आया है कि दिवाली की बहुत बहुत यू नो मुबारकें हो लाइक हैप्पी दिवाली होप यू हैड अ गुड टाइम विद योर फैमिली. सो दैट्स वेरी नाइस यार. एक इंग्लिश स्कूल में बच्चा आपका पढ़ता है और वहाँ के न्यूज़ लेटर्स में भी वो दिवाली को मेंशन कर रहे हैं विच इज़ वेरी गुड. इस स्कूल के अंदर ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं और हाँ सारे फेस्टिवल्स बताते हैं वो. याद है जब ये जब इसका फर्स्ट ईयर था स्कूल में लाइक ही वॉज इन रिसेप्शन तो मैं इसके स्कूल गई थी टू टॉक अबाउट दशहरा. ओह माय गॉड रावणा. क्या वाज इट ईयर 1? ईयर 1 वाज ईयर 1. और मैं ना सारे बच्चों को बता रही रावण के बारे में सीता के बारे में. ओ बच्चे ऐसे एक्साइटेड हो रहे पता गोरे इतने प्यारे लग रहे थे ऐसे बोल रहे थे रावणा सीता रामा. रावणा वाज अ डीमन. वो इतने प्यार से वो रामायण की पूरी कहानी. सो मेनी पीपल when our teacher said anyone had some question everybody put their hand up. Yeah, everybody wanted to ask me a question. Yeah, I know, I remember that. और अबीर फूले नहीं समा रहा था. अबीर को लग रहा था मेरी माँ तो आज चांद पे पहुँच गई है. हैं आज मेरी माँ रामायण की कहानी नहीं सुनाने आई पूरा स्कूल खरीद लिया मेरी माँ ने आज. अबीर ऐसे मतलब कि प्राइड से भरा हुआ था. बट आई हैड अ ग्रेट फन. एनी वे अभी चलते हैं और फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं. We went for reading books. In year two, we went for reading books and mummy was there. Yeah. आज जी दास दे आज दास दे अपनी माँ के बारे सारियाँ चंगिया चंगिया गल्ला. पता नहीं सूरज सूरज तो वैसे सही डायरेक्शन तो निकले है. आज माँ दी बड़ी तरीफा करता पे चले है ना. यहाँ बेटा यहाँ चले है ना पेरिस तो हम माँ नाल ही गुजारा करना चांद तो बना के तो रखनी पेगी. बस गाइस वापस आ गए फायरवर्क्स से. बहुत मज़ा आया फायरवर्क्स में. काफ़ी सारे पेरेंट्स से मिले वहाँ पे खाना वाना भी था. खाना वाना खाया इट वॉज नाइस और वेदर ने बहुत साथ दिया आज. सो वेल डन टू वेदर. मैं बनाने जा रही हूँ मटरों वाले चावल क्योंकि सबसे इजी है एक तो और अबीर को पसंद भी है और रात के बज रहे हैं 9. बस भाई और बहनों सिर्फ 9 बज रहे हैं और बच्चा अभी तक सोया नहीं है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि सैटरडे है और कल चलो संडे है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन एक दिन भी इस बच्चे की रूटीन को अगर डिस्टर्ब कर दो ना फिर जो हम भुगतते हैं ना वो हम ही जानते हैं. बट एनीवे कोई बात नहीं अब भुगतेंगे तो भुगतेंगे. मैं जल्दी बनाती हूँ मटर वाले चावल. सूरी साहब सारे कपड़े फोल्ड कर रहे हैं मतलब कि अगर मैं कपड़े दिखा दूँगी ना जितने अमाउंट ऑफ क्लोथ्स ही इज फोल्डिंग अपस्टेयर्स. तो मैं ऐसे बोल रही स्पीच नहीं देते बेचारा गले लगा उसको भी जाके साथ देना है मैंने तो क्योंकि मैं सुबह से अपनी एडिटिंग पे लगी हुई थी और मज़ा आ गया भाइयों और बहनों मज़ा आ गया. इतना प्यार दिया है तुमने
करवा चौथ के ब्लॉग को कि दिल करता है हर दिन मैं करवा चौथ रखूं, ज्यादा हो चुका है, आई नो दैट। मिलती हूँ सौरभ सूरी के साथ अगले शॉट में। तो चावल बन चुके हैं और बच्चे को सर्व भी कर दिए गए हैं। आज बच्चा बैठ के खा रहा है कहाँ पर? In this room and I don't know why, but रूम की हालत दिखा दे। Yes, please, please, please. तो ये देखें आप इस रूम की हालत, इतनी अच्छी हालत है, सब कुछ फोल्ड हो रहा है। शायद ही आपने कभी हमारा घर इस हालत में देखा होगा। तो बहुत धोते क्यों नहीं नहीं एक्चुअली गाइस, सबसे मुश्किल काम पता क्या है हम दोनों के लिए, वो है कपड़ों को फोल्ड करना। मैं कपड़े तो धो देती हूँ लेकिन कपड़े फोल्ड नहीं हो पाते हैं, तो कपड़े सारे फोल्ड हो जाएंगे। अब ये सारे कपड़े जाएंगे अलमारियों में। एक्चुअली क्या है कि हमने अपनी अलमारियाँ साफ करनी है, तो हमने सारे कपड़े निकाल दिए बाहर। अब अलमारियाँ साफ होंगी और फिर मैं सारे कपड़े अलमारियों में लगाऊंगी, क्योंकि आ चुकी है दिवाली। दिवाली और भैया जी भी आ चुके हैं। ऐसी बात नहीं है, भैया जी का ध्यान पूरा रखा जा रहा है। किसी को लग रहा हो कि भैया जी को सिर्फ भैया जी से कपड़े ही फोल्ड कराए जा रहे हैं, ध्यान हम पूरा रखते हैं। इतना काम करा रहे हो, चलो जल्दी जल्दी कर लो। ठीक है, तुम्हारे कपड़े फोल्ड करना सबसे डिफिकल्ट होते हैं। पता, मेरे साथ जुड़ी हुई हर चीज डिफिकल्ट है। करवा चौथ चला गया ना, अब कल तो बड़ा बेबी बेबी हो रहा था। बेबी खाना खा ले, ये क्यों नहीं खा रही है, ये भी खा के ला खिला के इतना खिलाया ना तूने कल मुझे, और मैं भी नींद के नशे में खाती चली गई, रुका नहीं हाथ मेरा।